हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम शो, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल योर्स लेजी बॉय। और आज की ब्लॉग स्कूल के लिए, दिलानगर जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। और आज उन्हीं इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में से एक स्कूल, नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि देवईथा और मिर्चा रोड पे है, उसके भीतर क्या है, उसके अंदर क्या है, स्कूल के अंदर क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, और कैसे टीचर हैं, क्या करते हैं, वही आज देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हैं तो आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट हिट लाइक, बने रहिए मेरे साथ। आज इस स्कूल का हम पूरा भ्रमण करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये है नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सच में बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग हो चुकी है पहले से। तो मैनेजमेंट जब चेंज होता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ और नई चीज़ें दिख रही हैं। पहले तो बोर्ड ही हो गया नया, ये बिल्डिंग है आप देख सकते हो, ये नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बिल्डिंग है। और ये रास्ता है दिलदारनगर मार्केट से होकर आता है, दिलदारनगर मार्केट से होकर आता है, और दूसरी तरफ ये देवईथा और मिर्चा वाली रोड है। जी अस्सलाम वालेकुम, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई सब जी। ये है सर कंपाउंड, ये है कंपाउंड, यानी अगर यहाँ से ये रहा दरवाजे का वो न्यू पेंटिंग। जी मैनेजमेंट बदला है, सुनने में आ रहा मैनेजमेंट बदल चुका है, तो नई जनरेशन, नई सोच, बिल्डिंग पूरी नई हो रही है और उसके साथ दरवाजे भी हो रहे हैं। और इसके बगल में आप पीछे ये स्टैंड है शायद, आई थिंक टीचर्स के, बाइक स्टैंड रहा टीचर्स के, और ये बच्चे आ रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये मेन गेट है, ये एंट्रेंस है आपका नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये हम चले अंदर, ये चैनल गेट है। वो हो सब कुछ चेंज हो चुका है, वाओ, फ्लोर कलर्स डिज़ाइंस। और ये हमारे मैनेजर सर डॉक्टर अजहर खान MBBS जी, तो चेंजिंग बहुत हो चुकी है नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आज से एक साल डेढ़ साल पहले जो सिचुएशन थी वो सब चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस है टीचर्स के लिए भी, और LCD है, LED लगी हुई है जिस पे आप स्कूल्स के प्रोग्राम्स के फ़ोटोज़ वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे पीरियड कन्फर्मेशन भी है कि कौन सी पीरियड चल रही है इस समय। तो चेंजिंग के नाम पे तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, प्रिंसिपल सर चेंज हो गए हैं, मॉप जो फ्लोर है वो डिज़ाइन चेंज हो गई है, पेंटिंग चेंज हो गई है। और आइए देखते हैं ग्राउंड में, ये बिफोर असेंबली है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खुला ओपन एक फील्ड मिला है उन लोगों को, असेंबली हॉल मिली है जो पूरी खुली हुई है। और ये हैं नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं असेंबली के लिए, टीचर्स के साथ, टीचर्स भी रिव्यू में लगे हुए हैं बच्चों के, कौन बच्चा क्या कर रहा है। आइए देखते हैं क्या होता है आगे वाले पल में, बने रहिए हमारे साथ। ये टीचर्स हैं कुछ नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, इरशाद सर और हैदर सर बच्चों के इंस्पेक्शन पे निकले हुए हैं। आइए देखते हैं असेंबली। Now this is the time for morning assembly, so all of you are requested to assemble for prayer in the ground. Students are instructed to come in proper and well manner. Class teachers are requested to come with their students. Thank you. Stand at ease. Attention. तो ये है अनाउंसमेंट बच्चों की तरफ से, और ये ग्राउंड है नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, बहुत ही ओपन ग्राउंड। और ये बिल्डिंग, वाओ क्या व्यू है, व्यू आप देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू है। ये हमारे गेम टीचर हैदर सर कुछ कागजी कार्रवाई करते हुए, और ग्राउंड्समैन ग्राउंड को सही कर रहे हैं। वाओ तैयारियाँ चल रही है, ड्राइवर साहब उसी भी नाश्ता करते हुए, पूरी
हरियाली है, चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं, और इस बीच के क्लासरूम या ये हमारी न्यू मैनेजर्स की श्रीमती जी हैं, वाइफ जी हैं, जो इंस्पेक्शन पे निकली हुई हैं कि बच्चे के क्या क्या काम कैसे हो रहे हैं। अच्छी चीज़ है, क्लास में रोज़ डेली रूटीन कर रहे हैं। ये क्लास रूम्स हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। अगर आप नहीं विजिट किए हैं तो सिर्फ एक बार तो ज़रूर विजिट कीजिए। अगर आप पहले भी विजिट कर चुके हैं और अब, तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंसेस है, क्लासेस क्या है, टीचर्स क्या है। और टीचर्स ज़रूरी नहीं कि बाहर के हों, क्योंकि बच्चों का पहला स्कूल तो माँ बाप ही होते हैं, वो घर के ही होते हैं। तो आई थिंक कि टीचर्स जो हमारे पड़ोसी हैं या हमसे जान पहचान के, उनसे हम कंप्लेन भी रख सकते हैं। लेकिन इस बीच आइए, कॉरिडोर में चलते हैं फिर से वापस। ये देखिए, ये डिज़ाइन की गई है, ये रंगैया पुतैया जो भी आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हैदर अली खान है। मैं गेम टीचर प्लस NIS फुटबॉल कोच भी हूँ। जी हाँ कोच साहब, आपकी बातें सुनी गई। और इस समय कोच साहब अपने टीम के साथ, अपने बच्चों के साथ ग्राउंड में कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं, कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। टीचर्स भी साथ में लगी हुई हैं, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। जहाँ हमारी है तिरंगा, तन हिमालय मन शिवालय प्राण बन के बहती गंगा। हमारी है तिरंगा, तिरंगा एक रंग है वीरता का, शांति और समृद्धि तुरंगा। तिरंगा, तिरंगा जहां हमारी All seniors pass room. Please come. Please follow me. हाँ भागो जितना। वेरी गुड वेरी गुड, पैर पीछे से उठाओ, चलिए। Thank you.
तो ये है यहाँ की फीस प्रणाली, यहाँ पे फीस काउंटर है। हम लोग ने फीस बहुत नॉर्मल रखी है, पर इधर इलाके को देखते हुए, लोगों के आर्थिक कंडीशन को देखते हुए। तो आते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे गार्जियन आते हैं। गार्जियन आते हैं, बच्चे आते हैं। हम लोग फीस में थोड़ा सा वक्त भी दे देते हैं फीस जमा करने के लिए। अच्छा, कोई फाउंडेशन नहीं है कि नहीं, यही 3 महीना तक तो हम लोग छूट नहीं देते। नहीं, एक होता है ना कि हम हर महीने आपको इतने तारीख तक फीस जमा करना है। 15 तक है, 1 से 15 तक जमा कर देना है। 15 तक हम जमा नहीं करते हैं जी। तो 16 से लेके 31 जो महीना होता है जी, उस महीने का 5 रुपये पर डे आप पर पेनल्टी होती है। तो पेनल्टी भरते हैं गार्जियन? गार्जियन से लिया जाता था, फिलहाल नहीं भी लिया जा रहा है। गार्जियन नहीं दे रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तुम दिया था। कुछ गाड़ियाँ यहाँ ऐसे जो किसान टाइप के हैं, ग्रामीण इलाके से, ग्रामीण इलाका है तो किसान टाइप के हैं, तो उनका ये है कि भाई थोड़ा सा हमको समय दिया जाए। कुछ ऐसे यहाँ गार्जियंस हैं जिनके वो विदेश में काम कर रहे हैं, तो उनके 2 महीना पर सैलरी मिलती है, तो गाड़ियाँ कहते हैं कि हमको 2 महीना में सैलरी ले लिया करेंगे। इस तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या अपने अच्छे बिजनेस वाले हैं, तो हर महीने पर फीस जमा कर देते हैं। अच्छा, ये चलता है, थोड़ा सा सबको लेके चलना होता है। यानी कहने का मतलब है कि गार्जियन की सहूलियत के अनुसार आपने फीस रखा है जी। कोई दबाव नहीं है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आप फीस दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, दे समय का ध्यान रखें। जब ऐसा होता है कंडीशन की, अगर 6 महीने आप नहीं चुकाते हैं तो थोड़ा सा मजबूरन हमें सख्त होना पड़ता है। हाँ, वो तो चाहिए भी। हाँ। आखिर आपने भी टीचर्स रखे हैं। हाँ, हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, वाई वर्कर हैं, तो इसी पर डिपेंड है। ठीक, इसके बाद हम चले कैंटीन में। जी हाँ, नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैंटीन की भी फैसिलिटी है। यहाँ पे बच्चे अगर लंच नहीं लाते, अगर लंच लाना भूल गए, तो यहाँ पे द डेरा की तरफ से कैंटीन खोल दी गई है, स्कूल कैंटीन। यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं अपने फूड के। तो आप देख सकते हो बच्चों का हुजूम, बच्चों का भीड़ लगा हुआ है पूरा कैंटीन में। तो नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कैंटीन की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर बच्चा लंच नहीं लाता है तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और एज यू सी, आप देख रहे हो बहुत सारे बच्चे कैंटीन से कुछ खरीद रहे हैं अपने खाने के लिए और फिर फील्ड में इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है इस नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो आप इंजॉय कर सकते हो, आइए और इंजॉय कीजिए। ओके, ये है हमारे कंप्यूटर टीचर। सर, कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 6 ईयर्स कंटिन्यूस। क्या चेंजिंग है स्कूल में और क्या चेंजिंग है बच्चों में? सर, अभी तो चेंजिंग्स तो बहुत सारे दिखेंगे आपको अदर स्कूल के तुलना में। कंपेरिजन अदर स्कूल में आप देख सकते हैं, यहाँ के जितने भी एजुकेशन सेक्टर जो भी देख रहे हैं, अदर स्कूल से कंपेयरिंग करेंगे आप, तो आपको खुद ना खुद समझ में आ जाएगा बच्चे क्या किस तरीके के हैं। और गार्जियन का रवैया क्या होता है? सर, गार्जियन के रवैया तो जो भी हमारे गार्जियन के रवैया तो सर ये तो हमारे हमसे तो इंटरेक्ट नहीं होते हैं, मगर पर्सनली जो गार्जियन हमसे मिलते हैं जो मार्केट बाहर, तो अच्छा, टीचर्स मीटिंग होता होगा तो आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो उसमें तो मिलते होंगे। हाँ, उसमें तो डेफिनेटली फीडबैक भी कुछ पॉजिटिव रहते हैं, कुछ नेगेटिव रहते हैं। तो बच्चे कैसे हैं? बच्चे तो ठीक है सर। अच्छा, थैंक यू। तो फाइनली हम पहुंचे नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के न्यू मैनेजर डॉक्टर अजहर साहब के पास, और हमने उनसे पूछा कि आपकी नज़र में कैसा है स्कूल और किस तरह आप प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप तो दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो आपका वेलकम है इस फील्ड में, एजुकेशन में, बट आप कैसे इसको प्रमोट करेंगे, आइए सुनते हैं इनकी जुबान। गुड मॉर्निंग अशरफ, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम फॉर दिस शॉर्ट इंटरव्यू। सी, बेसिकली I was not very much well aware about how does the school run, but as we all know that this was the dream project of my father. Initially this school was very much opened with only one intention, to provide education to all the kids, because education was a big concern of this area. The kids had to leave this area after doing 9th or 10th, they had to move to Varanasi or Allahabad or any other cities. Keeping this in view, my father took this project and opened a English medium school, which was very much uncommon in this area. I think this was the second school which was opened with a basic English medium education. So
So taking forward now, I am looking after the infrastructure, the management and the administration of this school. Talking about the changes, yes, few changes have been made in recent past, like we are moving toward digitization of education. Education doesn't mean that you should come to school with only learning, learning and learning. We have introduced activity-based learning, which is very much important for especially the new kids, because they must enjoy their learning rather than coming to school and doing the same thing all over the day. They should learn things with activity, because that impacts more. The learning capacity of these kids improve. We have introduced, library also. We have improved in library facilities also. Now the library is well equipped with books for all the children, from starting from nursery to class 12th. We have arranged some books also. Initially there were books, we have ordered some more books, so education will not be an issue, or reading will not be an issue for these kids. We are arranging also teacher training programs also, because when the teacher is very much trained, he will be handling the kids more efficiently, and if the teachers are effective, that will show in the learning of the kids also. So we are moving slowly and slowly. There are many more things to come, and Noble School will shine again, I think. And taking forward, I will be very much happy. फिर हमने इनसे पूछा, सर आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, गार्जियंस आप ही के स्कूल में क्यों आए, किस तरह आप उन्हें कन्विंस करेंगे, तो इनका जवाब क्या है, आइए सुनते हैं। See Ashraf, as I told you already also, my father opened this school not for a business purpose. His aim was, his sole purpose was education for all. And as you see, many schools are mushrooming in all the areas without any mission or vision. But I will say that Noble School has had always a mission and a vision to take care of education of children and to propagate education in all the community classes, whether it be rich or poor. We take everyone together. And rather than convincing, I would stress that parents should come forward and have a look at our school, our infrastructure, our quality of education, our teachers. They should come forward and just have a glimpse of our school, the sports facilities, the playground which we are providing, and the hygienic condition we are providing. You should all see this, and I would not force them that you should get admission of your ward or your kids in my school, but take your own decision, and we assure you that you will not regret your decision by admitting your children in our school. So come to our school, pay a visit, get satisfied, give us a feedback. Yes, there is always a scope for improvement, and we are very much ready to improve ourselves if there is any positive feedback from the parents. So finally, maine inse pucha ki ab tak to aapne apne school ki badhai ki, ab tak aapne apne other school se competition ki baat ki, lekin bachchon ke future ke liye aapne kya socha hai, bachchon ke bare mein aap kya kahenge, kya bola inhone, aaiye sunte hain. Taking forward in this upcoming session, we will be doing competitive based education also, especially for the class 10th student and 11th 12th student also, because after 10th many students want to migrate to ME or JNU also. So we will be looking forward that regular classes for their competitive based examination are being held in our premises during the school hours. And about 11th and 12th we will be arranging classes for NEET also, and for the engineering based test also we will be doing that. So they are very much exposure is given at the right time to these children. So ये था नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसे मैंने दिखाया अपने नजर से. बट वेट वेट वेट, कहाँ जा रहे हो? वेट, अगर जाना ही है तो इस स्कूल के अंदर जाओ, अपने नजरिए से देखो क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर का सवाल है. ठीक है, जाइए देखिए. इस स्कूल में आपको उर्दू भी मिलेगी, संस्कृत भी मिलेगी. इस स्कूल में आपको हिंदी की गरिमा, उर्दू की मिठास, सब कुछ मिलेगा. एक बार जरूर जाए और देखिए अपने नजरिए से कि ये स्कूल कैसा है. और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर आप पुराने हैं तो बस ठोकते रहो लाइक. टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट टू, बाय बाय.